अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे इफ्तार स्पेशल समोसा। समोसे तो आपने बहुत तरीके के खाए होंगे, आलू के समोसे आज हम अलग तरीके से बनाएंगे, जिसे कहते हैं पिडविल समोसा। और ये डिफरेंट तरीके के समोसे रोज़दार बच्चे जब खाएंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम पर कुकर रख दिया है हमने, उसमें चार आलू डाल के 2 कप पानी डाल के मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 मिसल आने तक आलू को पकने देंगे। आलू पक रहे हैं तब तक हम समोसे का टाइट सा डो तैयार कर लेंगे। एक बोल में 2 कप मैदा डाल देंगे, 4 टेबलस्पून सूजी यानी कि रवा भी डाल देंगे इसमें। हाफ टी स्पून अजवाइन डाल देंगे। वन टी स्पून शुगर यानी कि शक्कर भी डाल देंगे इसमें। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। हाथों की मदद से सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है इसमें। 4 टेबलस्पून ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने से ये क्रिस्पी बनते हैं। हाथों की मदद से सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इस तरीके से करके देखिए अगर आटे में मुट्ठी बनती है, यानी हमने जो इसमें ऑयल डाला है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को अच्छे से गून लेंगे। एक हार्ड सा डो तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ नहीं डालना है। आपने याद रखना है कि सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, हार्ड डो बनाना है। सॉफ्ट डो बनाएंगे तो समोसे का शेप परफेक्ट नहीं आएगा और वो क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। आटे को गूंद कर एक अच्छा सा हार्ड डो हमने तैयार कर लिया है। हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा के आटे के ऊपर लगा दें। आटे को दूसरे बॉल में ट्रांसफर करके ढक के 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 4 आलू जो हमने बॉयल किया था उसे हमने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था, अब हम उसे छील लेंगे। आलू को फ्रिज में रख के ठंडा करने से ग्रेट करते वक्त ग्रेट करने में आसानी होती है। 4 आलू को ग्रेट कर लेंगे, आप चाहो तो मैश कर सकते हो। एक बॉल में सारे ग्रेट किए हुए आलू डाल देंगे और सारे पाउडर मसाले भी डाल देंगे इसमें। बारीक कटा हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे। हाथों की मदद से सारे मसालों को, आलू को और नमक को अच्छे से सब मिक्स कर लेंगे। समोसे की स्टफिंग बनके तैयार है। जो हमने आटे को गूंद कर टाइट सा डो बनाया था उसे हल्का सा गूंद लेंगे। डो को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट को हल्का सा आटा लगाकर अच्छे से पतला सा बेल लेंगे। आप जितना लंबा करके बेल सकते हो उतना लंबा कीजिए, पतला और लंबा। बस हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा दबा के नहीं बेलना, हल्के हाथों से बेलना। लंबी सी रोटी बेल के हो गई है, देख लीजिए इतनी थिकनेस होनी चाहिए। रोटी पर स्टफिंग की एक लेयर लगा देंगे। आप देखिए इसी तरह स्टफिंग को रख के इसे हम फैला देंगे अच्छी तरह, सब जगह पे स्प्रेड करेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह करना है आपको। सब तरफ स्टफिंग अच्छे से फैला दी है हमने, बिल्कुल भी कोई जगह बाकी नहीं रही है। हर जगह पे ध्यान से फैलाना है स्टफिंग को। बस किनारे पे थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के बाकी सब तरफ अच्छे से फैलाना है। पानी से हाथों को गीला करके इस पर हल्के हाथ से हल्का हल्का प्रेस करना है। आगे से रोल करते हुए, हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसका रोल बना देंगे। हल्के हल्के हाथों से करना है, बिल्कुल भी इसे प्रेस एकदम हल्के हाथों से करना है। रोल करते जाना है, टाइट सा रोल करते जाना है हमें।
बस इसी तरह हल्के हल्के हाथों से रोल करते हुए प्रेस करते हुए हमें रोल करना है। अब हम हल्के हाथ से प्रेस करने के बाद दोनों साइड से ये देखिए उंगलियों की है मदद से बंद कर देंगे, दोनों साइड बंद कर देंगे। देखिए इस साइड से भी फोल्ड करके हम प्रेस कर देंगे। इस पर हल्का सा प्रेस करना ज़रूरी है, एयर बबल्स आ जाते हैं वो बैठ जाएंगे। अब ये रोल बन के तैयार है। अब हम छुरी से बीच में से कट कर लेंगे, इसे दो हिस्सों में कर लेंगे बिल्कुल इस तरह हल्के हाथ से। अब हम इस पर आधे आधे इंच की दूरी पर कट लगा के, पूरा नहीं काटना है बस कट लगाना है, और इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखकर ठंडा करने से ये अपनी अंदर से शेप पकड़ लेगा, जिससे कि आपको काटने में बहुत आसानी होगी। 10 मिनट के लिए हमने इसे फ्रिज में रख दिया था। इसे हम आधे आधे इंच की दूरी पे कट कर लेंगे और सारे पीसेस को इक्वल साइज़ में कट करेंगे। एक एक पीस को उठाकर हल्के हल्के हाथ से प्रेस कर पिनव्हील का शेप देंगे। हल्के हाथ से प्रेस करना है, देखिए बिल्कुल इस तरह सारे पीसेस को शेप देके हो गया। देखो आपको भी इसी तरह बिल्कुल पिनव्हील समोसे का शेप देके तैयार करना है। समोसा फ्राई करने के लिए मैदे के आटे का हम पतला सा घोल बना लेंगे। 4 टेबलस्पून मैदे के आटे में 4 टेबलस्पून पानी डाल के अच्छा पतला सा घोल तैयार करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें इसे, इसमें बिल्कुल भी लंग्स ना रहे। घोल को हमने दूसरे बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये जो स्लरी हमने बनाई है, इसमें समोसे के एक एक पीस उठाकर स्लरी में हम डिप करेंगे और जो हमने ऑयल गर्म होने रख दिया था उसमें डाल देंगे और डीप फ्राई करेंगे। इसी तरह सारे पीसेस को स्लरी में डिप करके ऑयल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने तेल को गर्म होने रख दिया था। समोसे को ऑयल में फ्राई होने के लिए डालने के बाद थोड़ी सी शेप आ जाए तो फ्लेम को लो कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है समोसे को। हम समोसों को डीप फ्राई कर रहे हैं, इसे अच्छा सा हल्का गोल्डन कलर आ जाए तब तक इसे फ्राई करना है। कढ़ाई थोड़ी छोटी सी है इसलिए एक बार में इसमें 5 से 6 समोसे आ रहे हैं। इसी तरह ये बैच फ्राई हो जाएगा, उसके बाद दूसरा वाला बैच भी हम इसी तरह फ्राई करके ले लेंगे सारे समोसे। ये देखिए हमारे समोसे कितने अच्छे लग रहे हैं। समोसों को 4 मिनट हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इस पर गोल्डन कलर भी अच्छा सा आ चुका है। अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आपने देखा पिनव्हील समोसा बनाना कितना आसान है और आप इसे बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। जब भी टी टाइम में आपका दिल करे समोसे खाने का तो इस वीडियो को देखिए और क्रिस्पी क्रिस्पी पिनव्हील समोसे बना के खाइए। फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, बहुत सारा लाइक कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।